सिर्फ मेरा बताया हुआ ये एक चम्मच खा लीजिए, लगातार 2 महीने तक आपकी आंखों की रोशनी वापस बढ़ जाएगी, आपकी आंखों का चश्मा उतर जाएगा और अगर आपको आंखों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो भी जड़ से खत्म हो जाएगी। इस बात का मैं दावा करती हूँ, लेकिन लगातार 2 महीने आपने मुझे देने हैं और उसका रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। क्या है ऐसी चीजें जो हमें फॉलो करनी है और क्या है वो ऐसी मिस्टेक्स जिनको हम लगातार जाने अनजाने में करते आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले, आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी फैमिली के साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ बने रहना चाहते हैं लाइफ लॉन्ग, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आप मुझे फेसबुक पे और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है। देखिए, हमारी जो आंखें होती हैं वो बहुत ही प्रीशियस होती हैं, क्योंकि आंखों के बिना हम दुनिया को इमेजिन ही नहीं कर सकते। इनका ख्याल रखना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन फिर भी जाने अनजाने में हम बहुत रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से हमारी आंखों पे चश्मा चढ़ जाता है, हमारी आंखों की रोशनी जो होती है वो कम होने लगती है और धीरे धीरे बहुत सारी बीमारियां हमारी आंखों से रिलेटेड होने लग जाती हैं। तो ऐसे में आज आपको मैं बताऊंगी कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो हमें रोजाना अपनी जिंदगी में से अवॉइड करना है, ताकि हमारी आंखें कमजोर ना हो और जो हम जब जो चीज रेमेडी यानी जो चीज मैं आपको बताऊंगी वो इस्तेमाल करें तो उसका लंबे समय तक असर रहे। तो आज का मेरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप छोटे बच्चे भी हैं तो भी उनसे ये वीडियो जरूर सुनाइए और उनसे ये सारी बातें फॉलो करवाइए। हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कंप्यूटर के सामने घंटों तक काम करना, बैठे रहना। या तो हम कोई गेम खेल रहे होते हैं या फिर अपना कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं कि हम बिल्कुल उसमें घुस जाते हैं, अपनी आंखों को बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं करते। 2 से 3 घंटे हम कंप्यूटर में बिल्कुल आंखें डालकर या लैपटॉप में आंखें डालकर बैठे रहते हैं, उससे हमारी आंखें जो है वो धीरे धीरे अंदर से सूखने लगती हैं, ड्राई होने लगती है और हमारी आंखों की रोशनी कम होना शुरू हो जाती है। तो अगर आप भी ये मिस्टेक कर रहे हैं, अपने फोन को या अपने कंप्यूटर को या अपने लैपटॉप को कंटिन्यूस बहुत देर तक फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें। 15 मिनट का गैप दें, हर 15 मिनट में अपनी आंखों को ऊपर नीचे करके इस तरीके से झपकाएं या फिर थोड़ी देर के लिए अपनी सीट से उठें, पानी पी कर आएं, क्योंकि जब आप पानी पीते हैं तो आपकी बॉडी में पानी की कमी नहीं होती और इसकी वजह से आपकी आंखें जो सूख रही होती हैं वो बिल्कुल भी सूखने की शिकायत खत्म हो जाती है। इससे आपकी आंखों की रोशनी बनी रहेगी, आप खुद नोटिस करें। बस 2 से 3 बार अपनी आंखों को खोलें बंद करें, खोलें बंद करें, इस तरह से आपकी आंखों की मसल्स को रिलैक्स मिलेगा। क्योंकि अगर जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते हैं अपनी आईज पर और बहुत घंटों तक देते हैं तो उससे हमारी आंखों के नीचे बैक्टीरिया पनपने लगता है और वो बैक्टीरिया हमारे डार्क सर्कल्स बना देता है। तो इस बात का ध्यान रखें, सिर्फ लैपटॉप ही नहीं, अगर आप कोई स्टडी भी कर रहे हैं, आपके 12th के या 10th के बोर्ड एग्जाम्स भी हैं, पढ़ भी रहे हैं, तो भी अपनी आईज को जरूर बीच में रिलैक्सिंग का टाइम दें। अब बारी आती है हमारी मिस्टेक नंबर 2 की। बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग करते टाइम बुक्स रीड करते हैं या फिर मोबाइल में चिट चैट करते हैं। जब हम ट्रैवल करते हैं तो वो मूवमेंट हो रही होती है, हिल रही होती है और हमारी बुक भी एक जगह रहती नहीं है, वो हिलती रहती है। उसकी वजह से हम अपनी आईज को हम ज्यादा स्ट्रेस देते हैं उसको पढ़ने के लिए या फिर चिट चैट करने के लिए, तो हमारी आंखों पर ज्यादा जोर पड़ता है जिससे हमारी आंखें कमजोर होने लगती हैं। तो ऐसे में हमेशा अपने ट्रैवलिंग टाइम में आपने क्या करना है, बुक्स रीड करना या चिट चैट करना अवॉइड करना है। जब आप किसी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए तब आप इन दोनों में से कोई भी चीजें फॉलो कर सकते हैं, बुक्स रीड कर सकते हैं, चिट चैट कर सकते हैं। अब बारी आती है मिस्टेक नंबर 3 की। हम लोग क्या करते हैं कि जब धूप में जाते हैं तो सनग्लासेस बिल्कुल नहीं वेयर करते। बहुत से लोग शर्माते हैं या फिर जब वो सनग्लासेस लेते हैं तो बिल्कुल वो लोकल वाले लेते हैं, 100 रुपए वाले, 50 रुपए वाले। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि सबका बजट अपना अपना होता है, हर कोई 3,000 के या कोई बहुत महंगे नहीं ले सकता, लेकिन उसमें फर्क क्या होता है, जो ग्लास होते हैं ना वो बहुत लो क्वालिटी के होते हैं, तो जब हम धूप में निकलते हैं और किसी को देखने का ट्राई करते हैं तो उस अपनी नज़र से तो हमारी आंखों पर ज़्यादा स्टेन पड़ता है, ज़्यादा जोर पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी आंखें कमज़ोर होती हैं। और दूसरी मिस्टेक हम क्या करते हैं, हम में से बहुत सारे लोग कि सनग्लासेस होते भी तो हैं लेकिन लगाना भूल जाते हैं, अवॉइड करते हैं कि थोड़ी देर के लिए धूप में जाना है। जब सूरज की डायरेक्ट किरणें हमारी आंखों में पड़ती हैं तो उससे हमारी आंखों की जो रोशनी है वो कम होने लगती है, कमजोर हो जाती है, हमारे डार्क सर्कल्स बढ़ने लगते हैं, आंखों के पास की जो एरिया होता है बहुत सेंसिटिव होता है। अब बारी आती है मिस्टेक नंबर 4 की, जो बहुत ज्यादा कॉमन मिस्टेक है। हम लोग क्या करते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, हमें रात को आदत होती है किसी से चिट चैट करने की, अपने फ्रेंड से या किसी से भी, या फिर नाइट मूवीज देखने की। हम लोग लाइट्स होने के बावजूद भी लाइट बंद करके टीवी देखते हैं या फिर लैपटॉप पे काम करना पसंद करते हैं, या फिर रजाई चद्दर ओढ़ के जो आजकल के टीनेजर्स हैं वो किसी से चिट चैट में बिजी होते हैं। ऐसे में वो जो कर रहे हैं वो जाने अनजाने में अपनी आंखों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि एक स्टडी में भी पाया गया है कि लास्ट 6 ईयर्स में
लास्ट जो 6 ईयर्स का रेशो निकाला गया तो टीन एजर्स की जो पॉपुलेशन है स्पेक्स लगने की वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है पहले के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम लोग लाइट ऑफ करके मोबाइल यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, टीवी में मूवीज देखते हैं, जिसकी वजह से आपकी आईज पे स्ट्रेस पड़ता है और आपकी आंखें कमजोर होने लगती है। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग लैम्प में छोटे जो बल्ब होता है उसको जलाकर स्टडी करना पसंद करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि जब भी आप कोई बुक रीड कर रहे हैं या मोबाइल पे चैट कर रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो अपने घर की ज्यादा लाइट्स ऑन करें, जिससे कि आपकी आंखों पे स्टेन ना पड़े और आपकी आंखें कमजोर ना हो, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। अब हम बढ़ते हैं अपने मिस्टेक नंबर 5 की तरफ। मिस्टेक नंबर 5 हम लोग क्या करते हैं, अपनी आईज को रब करने की हमारी बहुत गंदी आदत होती है। बहुत लोगों को आपने देखा होगा सारा दिन आईज रब करते रहते हैं, या उनको खुजली जब इचिंगनेस होती है, या सुबह उठते हैं या वैसे भी कुछ सोच रहे होते हैं तो आईज रब करना स्टार्ट कर देते हैं। जो हमारी आईज की यहाँ की मसल्स होती है ना, वो बहुत कमजोर होती है, बहुत सेंसिटिव होती है, तो जब हम उनको रब करते हैं तो उससे हमारी आई बॉल पर यानी हमारी आंखों की रोशनी पर फर्क पड़ना शुरू हो जाता है, और ये आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं करता, आपको धीरे धीरे फील होता है कि आपकी आंखें पहले से कमजोर होती जा रही हैं और फिर आपको चश्मा लग जाता है। तो चश्मा लगने तक की स्टेज को फिर हटाना, फिर उन प्रोसेस को करना, उससे बढ़िया इन सारी जो सिली मिस्टेक्स हैं जो हम करते आ रहे हैं इनको अवॉइड करें। अगर आपको ईचिंग भी हो रही है तो जस्ट आप इस तरीके से करें, बहुत ही हल्के हाथ से ईचिंग करें, आंखों पर बिल्कुल भी जोर ना दें। अब जान लेते हैं कुछ ऐसे डाइट जो हमें अपने रोजाना की जिंदगी में शामिल करनी है, जिसकी वजह से हमारी आंखों की रोशनी बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें अपनी डाइट में शामिल करना है वो है कैरेट। कैरेट में होता है विटामिन ए और बीटा कैरोटीन, जो हमारी आंखों की रोशनी को तेज करता है, हमारी आंखों को ताकत देता है। आप कैरेट को या तो कच्चा खा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, अगर कच्चा खाना पसंद नहीं तो उसका आप जूस बनाकर भी पी सकते हैं। तो किसी ना किसी तरीके से अपने पूरे डेली रूटीन में गाजर का इस्तेमाल रोजाना करें। अब बारी आती है हमारी सेकंड चीज के, जो हमें अपनी डाइट में शामिल करना है, वो है आंवला। आंवला में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जो हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, हमारी आंखों को ताकत देता है। तो इसके लिए आप आंवला इनटेक कर सकते हैं, या तो आप आंवला कैंडी खा सकते हैं, आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं, या फिर आंवला जूस सुबह खाली पेट पी सकते हैं। मतलब किसी भी तरीके से आपने आंवले को अपनी डाइट में रोजाना डेली शामिल जरूर करना है। तीसरी चीज जो आपको अपनी रोजाना की जिंदगी में शामिल करनी है वो है हरी पत्तेदार सब्जियां, जिसमें जियाजेंथीन होता है, जो आपकी आंखों की रोशनी को तेज करता है, आपकी आंखों को ताकत देता है। इसके साथ आपको अपनी नेक्स्ट चीज जो इंक्लूड करनी है अपनी रोजाना की जिंदगी में, वो है अखरोट। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो आपके आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। इसके साथ आप अलसी भी जरूर इंटेक करें, एक चम्मच, और जैसे मर्जी खाएं, आप सैलेड में खा सकते हैं, या उसका पाउडर बना के पानी के साथ इंटेक कर सकते हैं, या उसको रोस्ट करके आप डायरेक्टली एक चम्मच खाकर ऊपर से पानी पी सकते हैं। तो इस तरह से फ्लैक्स सीड्स को भी अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। इसके साथ माना जाता है कि जब हम नमक का ज्यादा इंटेक करते हैं अपने रोजाना की जिंदगी में, तो वो हमारी आंखों को सुखाने लग जाता है, हमारी आंखों की रोशनी को कम कर देता है। तो आप कोशिश करें अपने रोजाना की जिंदगी में जो भी आप सुबह से शाम तक खा रहे हैं उसमें नमक का इस्तेमाल कम करें। इसके साथ साथ आप जो मूंग दाल होती है उसका सेवन जरूर करें, हफ्ते में 2 से 3 बार मूंग दाल जरूर खाएं बनाकर। मूंग दाल हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाती है, हमारी आंखों को स्ट्रेंथ देती है, ताकत देती है। तो ये थे कुछ ऐसे फूड जिनको आपको अपनी डाइट में शामिल करना है। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, आप क्या करते हैं जब आपका बॉडी बहुत ज्यादा आउट ऑफ शेप हो जाता है, या आप अपने आपको मेंटेन करना चाहते हैं, हेल्दी रखना चाहते हैं, तो आप अपने टमी का वर्कआउट करते हैं, बैक का वर्कआउट करते हैं, लेग्स का वर्कआउट करते हैं, सारी तरह की एक्सरसाइजेस करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि कभी आपने अपनी एक्सरसाइज आईज की भी करी है? क्यों नहीं करते? क्योंकि आईज आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप इस दुनिया को देख पा रहे हैं, जी पा रहे हैं, तो आपकी आंखें ये जो आपको सब कुछ देखने पर मजबूर कर रही हैं। तो इनसे खूबसूरत चीजें और इनसे ज्यादा सेंसिटिव चीज कुछ हो ही नहीं सकती हमारे बॉडी में। तो इसकी एक्सरसाइज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज आपको मैं बताऊंगी कुछ ऐसी 2-3 एक्सरसाइजेस जो आपको बहुत ही आसान है रोजाना करनी है। बारी आती है फर्स्ट एक्सरसाइज की। फर्स्ट एक्सरसाइज है, सबसे पहले आपको अपनी आंखों को बंद करना है, फिर खोलना है, बंद करना है, खोलना है। कम से कम आपको इसको 10 से 12 बार करना है, स्पेशली जब आप कोई कंप्यूटर पर बैठे हो या फिर आप कोई मोबाइल फोन यूज कर रहे हो। अगर ऐसा नहीं भी कर रहे तो रोजाना आपको 10 से 12 बार इसको जरूर करना है। अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। दूसरी एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, अपनी आईज को लेफ्ट से राइट, अप डाउन, चारों तरफ आपको अपनी रोटेशन करते रहना है, अपनी आंखों की पुतलियों को यानी अपनी आंखों की जो बॉल्स होती हैं उनको आपको चारों तरफ घुमाना है हल्के हल्के, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ऐसे ही आपको अपने हर तरफ गर्दन को मूवमेंट ना देते हुए सिर्फ अपनी आंखों की बॉल्स को लेफ्ट डाउन राइट अप इस तरीके से प्रॉपर
आपको मूवमेंट देना है। इससे क्या होता है, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ना शुरू हो जाती है। अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज की तरफ। तीसरी एक्सरसाइज के लिए आप कोई भी पेंसिल अपने हाथ में ले लीजिए और कुछ देर तक लगातार उस पेंसिल को देखते रहिए। इससे आपकी आंखों की रोशनी बहुत जल्दी तेज होना शुरू हो जाती है। तो ऐसा आप कभी भी फॉलो कर सकते हैं, कम से कम उसको आप एक मिनट तक देखें। ऐसा आपको कम से कम 6 से 7 बार या 10 से 12 बार जरूर करना है। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। इसके लिए आपको अपनी हथेलियों को रब करना है और जो उनमें हीट प्रोड्यूस होगी वो आपको अपनी आईज पे रखना है और हल्के हल्के से ऐसे जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ टैप टैप करके अपनी आंखों पर करते जाना है। इससे आपकी आंखें रिलैक्स होंगी और उनको डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम, झुर्रियों की प्रॉब्लम जल्दी नहीं आएगी और आपकी आंखों की रोशनी तेज होगी। लास्ट नॉट द लीस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता है क्या है? वो आपके पास है एक ऐसी दवाई जिससे आप अपनी आंखों की रोशनी को बहुत तेज कर सकते हैं। वो दवाई हमेशा आपके पास अवेलेबल होती है। जी हाँ, वो है आपकी मुंह की थूक, उसकी लार। जो हमारी लार होती है, जो थूक होती है ना, अगर आप उसको अपनी आंखों के अंदर काजल की तरह डालते हैं अपनी फिंगर पर लेकर रोजाना सुबह उठकर जो आपकी बासी थूक होती है, तो ये एक स्टडी में पाया गया है, आयुर्वेद में पाया गया है कि इससे आपकी आंखों की रोशनी तेज होना शुरू हो जाती है। अगर आपसे आंखों के अंदर काजल की तरह नहीं डाला जा रहा तो अपनी थूक से आप अपने आंखों के आसपास, जैसे मैं आपको मसाज करके दिखा रही हूँ सेम हल्के हाथों से, इसी तरीके से अपने आंखों के चारों तरफ मसाज करें। इससे ना तो आपके डार्क सर्कल की प्रॉब्लम होगी, ना ही आपके आंखों के आसपास जल्दी झुर्रियां आएंगी और ना ही आपकी आंखें कमजोर होंगी। इसके साथ साथ हो सके तो रोजाना पार्क जाकर जो घास होती है, जो वो गीली होती है, ओस पड़ा होता है, तो नंगे पैर उस पे चल सकें तो वो आपकी आंखों की रोशनी को बहुत तेज करता है। मेरी ये टिप्स, मेरे ये बताए हुए फूड्स और जो आपको मिस्टेक नहीं करनी, इनको जरूर फॉलो करें और फिर देखें बेहतरीन रिजल्ट। लेकिन वीडियो एंड नहीं हुआ है, अब बारी आती बहुत ही इंपॉर्टेंट होम रेमेडी की। इसके लिए आपको चाहिए 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम सौंफ और साथ में आपको चाहिए 25 ग्राम मिश्री। इनको क्या करना है, मिक्सी में ग्राइंड करके आपको इसका पाउडर बना लेना है। पाउडर बना के आपको कांच की शीशी में स्टोर करके रख देना है। अब आपको, अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आपको इसका आधा चम्मच रात को सोने से पहले आपने एक ग्लास गर्म दूध के साथ पहले वो एक चम्मच खाना है और ऊपर से दूध पी लेना है। अगर आपकी उम्र 18 साल की हो चुकी है या आपकी 60 साल की उम्र भी है तो भी अपनी आंखों की रोशनी को आप तेज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक चम्मच इस पाउडर का लेना है और ऊपर से एक ग्लास गर्म दूध पी लेना है। ऐसा आपको लगातार बिना एक दिन स्किप करे भी आपको 2 महीना लगातार इसको फॉलो करना है और उसके बाद मैं आपसे खुद कहती हूँ कि आप मेरे चैनल पर कमेंट करने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपकी आंखों की रोशनी पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी है। तो ऐसी अगर आप कुछ और बेहतरीन देखना चाहते हैं तो प्लीज मुझसे कॉन्टैक्ट करें, कमेंट करें और जो टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो मुझे बताएं विद योर सिटी नेम। डेफिनेटली मैं उस टॉपिक पे वीडियो लेकर आऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।